सुबह सुबह मस्ती नहीं करते मम्मा, सुबह सुबह मस्ती नहीं करते। गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग जल्दी से जल्दी से गुड मॉर्निंग बोल दो हनी, गुड मॉर्निंग बोलो। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये देखिए मेरा आज लाइन का ना आखिरी दिन था, कल रात में इस लाइन लगवाई थी और अब मैं ठीक हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए काढ़ा। ये काढ़ा है ना, इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। ये मतलब जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए और वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैंने 2 कप पानी रखा था फ्रेंड्स, और जी उसके बाद मैंने इसे 1 कप पानी होने तक पकाया है और अब मैं इसे पीऊँगी और 1 घंटे के बाद नाश्ता करूँगी। और यहाँ देखें, यहाँ अम्मी बना रही हैं जी दाल चा। तो ये दाल और लौकी जो है ना, वो अम्मी ने गला ली है, चने की दाल और लौकी। और जी इसे गलाने के बाद यहाँ गोश्त भून लिया है, तो अम्मी इसमें अब इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ बन गया हमारा दोपहर का खाना। और अभी फाइनली ऐसा है कि मेरी तबीयत ज़रा ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन से सलाइन वगैरह लगवा रही थी, अभी ठीक है। ये देखें शोएब सो चुका है, बच्चों को नहला के सुलाया, और मैंने ना इसकी कटिंग की है। ये देखो ये बच्चे ना चाहते नहीं हैं, तो मैंने इसकी कटिंग की उसकी भी और रज़ा की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शोएब सोया है, बाकी के बच्चे आगे के रूम में हैं और हमें कहीं जाना है। तो हम लोग खाना खाएंगे फ्रेंड्स, और जल्दी हनी को, हनी को ना, हनी को बहुत मस्ती है। रज़ा ए रजू यहाँ आइए पी लिए दूदू। मतलब ये क्या कर रही है, इसने तो ना लिपस्टिक तोड़ के रख दी और ऊपर से ये बार बार इसमें डाल रही है और मुझे बोल रही है निकाल के दो। माम कर दो, चलो सबको माम करो, पहले माम। अच्छा पकड़ो इसे। बस माम कर दो सबको, आप माम कर दो, चलो सबको। बोला मेरा बच्चा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी छोटी सी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स हो गया है खाना, और जी मैं और जो अम्मी हैं तो हम कहीं जा रहे हैं और वहाँ से जाकर आते हैं फ्रेंड्स। और जिस काम से जा रहे हैं वो भी मैं बताना नहीं चाहती, अगर वो हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊँगी, और अगर नहीं होगा तो फिर तो उस चीज़ को छोड़ देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ जा रहे हैं देखेंगे। और ये देखे था शोएब क्या कर रहा है, वो रजा की बोतल का ना दूध गिरा रहा है। नहीं बेटू, मतलब बोतल अगर उसकी फिटर कहीं रख दिया ना, तो ये बच्चे के मालूम क्या करते हैं, दूध गिरा के पूरा नाश कर देते हैं। तो मैं और अम्मी जरा सा थोड़ा तैयार होती हूँ, मैं और अम्मी जाके आते हैं, और जी अगर वो काम सक्सेस हो जाएगा तो हम ज़रूर आप लोगों को बताएंगे, और अगर अभी नहीं फिर कभी हुआ बाद में तब भी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगी। अच्छी देखो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा तैयार होती हूँ और निकलते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये बताओ फ्रेंड्स, कैरम के ऊपर बैठकर कौन खेलता है? ये बच्चे देखो हमारे कैरम के ऊपर बैठकर खेल रहे हैं, देखिए ये बच्चों को। और फ्रेंड्स फाइनली यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने पहन लिया है बुरखा, और जी अब हम अमीर में निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना भी हो गया था, तो मैं नकाब लगा लेती हूँ। ये देखिए मुझे नॉस पीस नहीं मिल रहा था, तो मैंने जो मेरा हिजाब है उसी का नकाब भी कैरी कर लिया। तो फ्रेंड्स हम लोग जा कर आएंगे, बट हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, सिर्फ जाना है और वापस आना है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं सिटी बस से, क्योंकि मुझे इसी से सफ़र करना ज़्यादा बेटर लगता है, इतने जीप से और जी रिक्शा से, उससे अच्छा इसमें। और वो जो बस होती है ना अपनी सरकारी लाल बस, उसमें तो मुझसे बिल्कुल सफ़र नहीं होता, तो ये इसमें कैसा भीड़ भाड़ भी नहीं होती और अच्छा आराम से इंसान चला जाता है। और देखिए हनी बैठी है यहाँ पर। तो हम लोग निकल चुके हैं फ्रेंड्स, और जो काम से जा रहे हैं बस वो काम हो जाए, अल्लाह से दुआ है हमारी, और जी फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। जिस काम से हम लोग गए थे तो वो सब हमने देख लिया, और पीछे वाले अंकल ना कब से हनी को और मुझे देख रहे हैं। तो फाइनली हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और वापस आ रहे हैं, रात के टाइम भी हम लोग सिटी बस से ही आ रहे हैं।
सिटी बस हमें मिल गई है, लेकिन कितनी शाम हो गई है। देखिए हम लोग दोपहर में निकले थे और तब मगरिब का टाइम हो गया है, तो हम लोग घर पहुँचाएँ अल्लाह से यही दुआ है साथ के रहे से, क्योंकि मैं ना सफ़र में होती हूँ ना तो मुझे काफ़ी डर सा लगता है हर बार, मतलब ज़्यादा सफ़र करने की आदत नहीं है। और जी सफ़र के टाइम में अक्सर मेरी आदत ऐसी है कि मैं ज़्यादातर पढ़ाई करती हूँ चलती हूँ, तो फाइनली हम लोग इतर गए थे स्टॉप पर। और ये देखिए कितनी रात हो गई हम लोग को घर आते आते, तो ये हमारे यहाँ की मार्केट का एरिया है, जो नीचे मार्केट है ना वहाँ का एरिया है। तो अब लोग हम जाएंगे घर, और जी जो काम से हम गए थे तो उस बारे में घर वालों से बात करेंगे और देखते हैं फिर सब क्या कहते हैं। और अगर वो काम डन हो जाता है फ्रेंड्स तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस काम से गई। और फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए घर। देखिए भाई की तबीयत कितनी ख़राब हो रही है, ये देखिए उसकी हालत कैसी हो गई। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग आ गए हैं घर। हम कहाँ गए थे ये मैं आपको आके ज़रूर बताऊँगी, बस जिस चीज़ के लिए गए थे वो चीज़ हो जाए तो बताने में भी अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैं घर आई हूँ और अभी बुरखा ही है, तो पहले मैं बुरखा उतार देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स हम लोग आते आते लेकर आ गए थे पिज्ज़ा, तो ये देखें अम्मी ने हम लोग मतलब रुक गए थे और उसके बाद हमने वहाँ से पिज्ज़ा ले लिया। अब हमारे यहाँ भी मतलब यहाँ पहले पिज्ज़ा मिलता नहीं था, अब मिलने लगा है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मिल गया पास पिज्जा, और हमारे यहाँ कुछ ऐसा पिज्जा मिलता है फ्रेंड्स, अच्छा है मतलब इससे पहले मैं कई बार लाने के लिए गई जब मिला नहीं है, देखो सोनी तो चलिए पिज्जा खाते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हमारे यहाँ पिज्जा नहीं मिलता था, लेकिन अब पिज्जा मिलने लगा है। मैं पहले भी कई बार गई हूँ पिज्जा लाने बट नहीं मिला, तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं फ्रेंड्स। और इस ब्लॉग का एंड भी मैं यही करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।